अब बेंटेन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें एक बेंटेन का नया विलन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था एग्रीकर, जो कि केविन की तरह ही एक ऑस्मोशियन था जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 5 एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब करके बन गया था अल्टीमेट एग्रीकर। और जब बेंटेन अल्टीमेट एग्रीकर को नहीं हरा पाया था और अल्टीमेट एग्रीकर से बहुत बुरी तरीके से हार गया था तो बेंटेन के पास एजमत आए थे और उन्होंने ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स को मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हें नई वाली ओमनीट्रिक्स देनी पड़ेगी और बेंटेन भी एक्साइटमेंट में आके एजमत से नई वाली ओमनीट्रिक्स मांग रहा था। इस वक्त हम इतने नाजुक हालात में हैं कि मुझे बेन को अपना नया ओमनीट्रिक्स देने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। नया ओमनीट्रिक्स दीजिए, अभी उस एग्रीकर की छुट्टी करता हूँ। नहीं, वो पूरी तरह तैयार नहीं है और सच कहूँ तो तुम भी नहीं। अब तक नहीं। तुम्हारी हरकतों से लगता है तुम कभी परफेक्ट नहीं बनोगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये एनालाइज करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या सच में बेंटेन को ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स की जरूरत थी और क्या होता अगर यहाँ पर बेंटेन को ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स मिल जाती। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा बेंटेन और एग्रीकर की फाइट्स को। वैसे तो बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज में एग्रीकर से बेंटेन की 4 बार फाइट हो चुकी है रियल लाइफ में, ड्रीम की अगर फाइट को छूट दें तो। लेकिन मैं मैप ऑफ इन्फिनिटी एपिसोड से पहले होने वाली फाइट्स के बारे में बात करूंगा। क्या उन फाइट्स में बेंटेन की गलती थी या फिर अल्टीमेट्रिक्स की गलती थी? अगर हम सबसे पहली फाइट को एनालाइज करें तो बेंटेन और एग्रीगर की सबसे पहली फाइट हुई थी बेंटेन अल्टीमेट एलियन सीरीज के फ्यूज्ड एपिसोड में, जहाँ पर जो एम्फेरी था वो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चला गया था। अब देखो यहाँ पर अगर ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स होती एम्फेरी ओमनीट्रिक्स के अंदर नहीं जा पाता और बेंटेन पे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स पहले से ही हैक्ड डिवाइस थी, यानी कि इसमें सारे फंक्शन अनलॉक थे, इसी वजह से एम्फेरी अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चला गया। तो चलो अगर हम ये बात मान के चलते हैं कि ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स के अंदर एम्फेरी चला भी जाता तब भी यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स की गलती थी क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स बेंटेन को सारे के सारे इलेक्ट्रिक एलियन दे रही थी और अल्टीमेट्रिक्स ने बेंटेन को ब्रेनस्टॉर्म दिया था और इलेक्ट्रिक एलियन से तो आराम से एग्रीकर निपट सकता था। एग्रीकर के पास एक ऐसा वेपन था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता था। पहली फाइट का रिजल्ट तो ये निकल के आता है कि पूरी की पूरी गलती अल्टीमेट्रिक्स की थी और यहाँ पर बेंटेन को ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स की जरूरत थी। और अगर यहाँ पर बेंटेन को ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स मिलती तो आराम से बेंटेन एग्रीगर से जीत जाता और शायद एग्रीगर एम्फेरी को अपने साथ नहीं ले जा पाता और शायद फिर कभी अल्टीमेट एग्रीगर बनता ही नहीं। अब चलो ये बात मान के हम चलते हैं कि अल्टीमेट एग्रीगर अपने साथ एम्फेरी को ले गया तो दूसरी फाइट जब बेंटेन और अल्टीमेट एग्रीगर की हुई थी तो इस फाइट में गलती किसकी थी, अल्टीमेट्रिक्स की या बेंटेन की? तो देखो दूसरी फाइट में पूरी की पूरी गलती बेंटेन की ही थी क्योंकि बेंटेन ने यहाँ पर अल्टीमेट एग्रीगर के सामने यूज किया था ह्यूमंगस ऑर्ब को। और अगर आपने बेंटेन की सीरीज को ढंग से देखा है तो आपने ये एनालाइज किया होगा कि ज्यादातर फाइट्स में ह्यूमंगस ऑर्ब हार ही जाता है तो यहाँ पर अल्टीमेट एग्रीकर के सामने ह्यूमंगस ऑर्ब कैसे टिक जाता? अगर यहाँ पर बेंटेन अल्टीमेट ह्यूमंगस ऑर्ब को चूज करता तो शायद अल्टीमेट एग्रीकर के सामने बेंटेन जीत जाता। तो हाँ यहाँ पर पूरी की पूरी गलती बेंटेन की थी जिसकी वजह से बेंटेन हारा और यहाँ पर ह्यूमंगस ऑर्ब ने भी एग्रीगर को काफी बुरी तरीके से पीटा था लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगस ऑर्ब होता तो शायद बेंटेन और ज्यादा बुरी तरीके से पीट सकता था। यहाँ पर एग्रीगर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था लेकिन अगर अल्टीमेट ह्यूमंगस ऑर्ब होता तो जहाँ तक है अल्टीमेट एग्रीगर रुक जाता और अल्टीमेट एग्रीगर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता। तो चलो अब वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। तो क्या बेंटेन को सच में ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स की जरूरत थी और अगर बेंटेन के पास ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स होती तो क्या बेंटेन एग्रीगर को हरा देता? तो देखो अगर बेंटेन के पास ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स होती तो शायद बेंटेन एग्रीगर को आराम से हरा देता तो अल्टीमेट केविन ही ना बनता और बेंटेन की फाइट इतनी ज्यादा लंबी नहीं चलती। अगर बेंटेन के पास ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स होती तो कभी वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 5 एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और ना ही मैप ऑफ इन्फिनिटी हमें देखने को मिलता ना ही अल्टीमेट केविन क्योंकि हमने देखा है कि अल्टीमेट एग्रीगर तो छोड़ो बेंटेन के अल्टीमेट एलियंस को भी ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स की मदद से बेंटेन ने डिफीट किया है। अगर आपको एल्बिडो वर्सेस एटॉमिक्स वाली फाइट याद हो तो वहां पर एल्बिडो ने काफी 2 पावरफुल अल्टीमेट एलियन को यूज किया था जो कि था अल्टीमेट स्पाइडर मंकी और अल्टीमेट ह्यूमंगस ऑर्ब लेकिन यहाँ पर एटॉमिक्स ने इसे डिफीट कर दिया था क्योंकि बेंटेन के पास ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स थी। तो अगर बेंटेन के पास ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स होती तो बेंटेन
आराम से एग्रीगर को तो डिफीट कर ही देता, क्योंकि पहली फाइट में अल्टीमेट रिक्स की सबसे बड़ी गलती थी। सबसे पहली गलती तो ये थी कि अल्टीमेट रिक्स ने बैन का कंट्रोल एम्फेरी को दे दिया। दूसरी गलती ये कि इलेक्ट्रिक एलियन ही दे रही थी एग्रीगर के सामने, और हमें कभी अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड ही नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अल्टीमेट रिक्स की वजह से ही तो अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड देखने को मिला। लेकिन हाँ, अगर बेंटन दूसरी फाइट में अल्टीमेट एग्रीगर के सामने अल्टीमेट एक्वाको का यूज करता तो शायद बेंटन जीत जाता। लेकिन आप सबने नोटिस किया होगा तो बेंटन ने कभी अल्टीमेट केविन के सामने वो एलियंस यूज नहीं किए जो बेंटन ने अल्टीमेट एग्रीगर के सामने यूज किए थे, क्योंकि अल्टीमेट एग्रीगर के सामने हार गए थे। इसका मतलब बेंटन अपनी गलतियों से सीखता है आयरन मैन की तरह। हाँ, तो यही होता अगर ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स बेंटन को मिलती तो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना।